वेलकम अगेन। आज थोड़ी सी बात करेंगे ये जिंको बिट के बारे में। ये मैं वीडियो दूसरी बार बना रहा हूँ। पहली बार जब बनाया था तो मेरे से गलती हो गई थी दो, वो किसी मेरे सब्सक्राइबर ने बताया था, लेकिन वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया है तो उनका भी मैं नाम नहीं बता पाऊँगा। उस समय मैंने दो बहुत ही ग्रास मिस्टेक कर दी थी। एक ये बता दिया था कि इसमें विटामिन डी नहीं है और दूसरा विटामिन B12 नहीं है, जो कि एक्चुअली इसमें है, राइट, इसमें है, वो लिखा इसी जगह था, इसलिए मैंने बोल दिया था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो इस जिंकोविट के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ये मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है। अब इसमें बहुत सारे विटामिन का कॉम्बिनेशन है और बहुत सारे मिनरल का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं मिनरल की बात करूँ, जिंक, मैग्नीशियम, आयोडीन, मैंगनीज, कॉपर, सेलेनियम और क्रोमियम है, इतने तरह के हैं। तो इसका जो मेन एडवांटेज ये है कि इसमें जिंक है, इसलिए ऐसे लोग जिनको एज ए इम्यूनिटी बूस्टर अच्छा मल्टी विटामिन चाहिए होगा, वो ये बहुत अच्छे से काम करेगा, राइट। इसमें दो चीज़ें नहीं हैं मल्टी मिनरल के नाम में, एक आयरन नहीं है और दूसरा कैल्शियम नहीं है। तो हड्डी मजबूत करने के लिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कैल्शियम नहीं है, और दूसरा आयरन भी नहीं होगा, मतलब खून की कमी अगर आयरन वाली है तो इससे काम नहीं चलेगा। तो दो चीज़ इसमें कमी है। दूसरा, इसमें एक ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, उसका एडवांटेज ये है कि ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। मोटे तौर पे ये काफ़ी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन डी हो गई, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, बी ग्रुप के बहुत सारे विटामिन और बायोटीन है। एक तरह से इसका जो पूरा कॉम्बिनेशन है ठीक है। अब ये किसको लिया जा सकता है, कौन ऐसे लोग हैं? तो देखिए, ये जनरल यूज का मल्टी विटामिन होता है। इस तरह की जब कंपनियां बनाती हैं तो आप उस तरह के लोग ले सकते हैं जिनको जनरल वीकनेस है, या खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, कमजोरी लग रही है, शरीर बीमार है, काफ़ी दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, राइट, या गर्भावस्था के दौरान है, आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हो। जो एथलीट लोग हैं, जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो लोग जिम में जाते हैं, उस तरह के लोग ले सकते हैं कि इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। लेकिन ऐसे लोग जिनको किसी एक स्पेसिफिक विटामिन की कमी है, जैसे आपको किसी डॉक्टर ने सलाह दिया कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, उस केसेस में ये काम नहीं करेगा। इसमें जो विटामिन डी है, जितना आपका रोज चाहिए सिर्फ उतना ही है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। इसलिए किसी को किसी विटामिन की डिफिशियंसी होगी वो इससे करेक्ट नहीं होगी। ये मेंटेनेंस डोज होता है। ऐसे अगर मान लो किसी को विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, उस केसेस में फिर ये अच्छे से काम नहीं करेगी। तो जब भी कोई डॉक्टर आपको सलाह दे कि आपको ये वाला विटामिन चाहिए, जैसे कि गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड की जरूरत होती है, तो वो फोलिक एसिड, इसमें जो फोलिक एसिड है उससे उसकी पूर्ति नहीं होगी। इसमें सिर्फ 100 माइक्रोग्राम है, तो उसके लिए सिर्फ फोलिक एसिड की आपको टेबलेट चाहिए, राइट। या किसी को विटामिन ई लिखा गया है कि आप खाओ, या जो आई की प्रॉब्लम है, रतौंधी वगैरह होती है, उसमें विटामिन ई लिखा जाता है, उस केस के लिए नहीं है। तो स्पेसिफिक कोई विटामिन की डिफिशियंसी है या स्पेसिफिक कोई मिनरल की डिफिशियंसी है, उस केस में ये अच्छे से काम नहीं करेगी। इसमें आयरन और कैल्शियम है भी नहीं, बट ओवरऑल है जो जनरल, एक आप अच्छा अगर मल्टी विटामिन ढूंढ रहे हैं तो जिंको वीड अच्छा है, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जैसे इम्यूनिटी बूस्टर की तरह अगर उसको यूज करना है, राइट। अभी जैसे कोविड का समय चल रहा था थोड़े दिन पहले, उस समय ये काफ़ी पॉपुलर हो गया था। तो ये तो बात हो गई कि जिंको वीड के बारे में। अब बात करते हैं कि इसको कैसे खाना है। तो दिन की एक टैबलेट सफिशियंट है, ये तो इसका डोज हो गया। अब खाने के साथ खाएं कि खाने के बाद खाएं, कब खाएं? तो खाने के साथ आप इसको खा सकते हो, क्योंकि इसमें आयरन नहीं है और कैल्शियम नहीं है। ऐसे मल्टी विटामिन या ऐसे मल्टी मिनरल्स जिसमें आयरन कैल्शियम होता है, वो खाने के साथ ना खाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता। क्योंकि इसमें ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो आप इसको खाने के साथ खाएं तो बेहतर है। खाली पेट खाने से पेट के अंदर गैस का बनना, मेटालिक टेस्ट का आना, राइट, थोड़ा हैवीनेस वगैरह फील हो सकती है, तो बेटर यही है। और दूसरा, इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे क्या साइड इफ़ेक्ट है? तो मोटे तौर पे किसी भी मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल से कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं आता, क्योंकि इसमें डोज बहुत ज़्यादा किसी एक कंपोनेंट की है नहीं, तो कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि आपका थोड़ा पेट ख़राब हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, थोड़ा नोजिया सा फील हो सकता है, या कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। अमूमन इसी तरह के ही साइड इफ़ेक्ट आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता। अब ये कितने दिन तक खाना है? जैसे जिंको वीट है तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि इसको हम कितने दिन तक लगातार खा सकते हैं। तो लगातार आप इसको एक महीना खा सकते हैं, या लगातार दो महीना खाएं, फिर कुछ दिन के लिए बंद कर दें, एक महीने का गैप दे दें या दो महीने का गैप दे दें, फिर दोबारा से इसको ले सकते हैं। इस तरह से इस मल्टी विटामिन को खाना है, और कोई भी मल्टी विटामिन जिसको 2 से 3 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं खाना चाहिए, नहीं तो शरीर को आदत लग जाती है।
और कोशिश ये करें कि ये इसका काम सपोर्टिव रहता है, ये मतलब आपके खाने को रिप्लेस नहीं करेगा। क्योंकि खाने में कुछ कमी रह रही थी, किसी वजह से आपको खाना अच्छा से नहीं मिल पाया, आप बीमार हो गए, आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कुछ स्पेशल गोल है, इसलिए एज ये सपोर्टिव काम करेगा। राइट, अब आखिरी में ये कितने का है प्राइस में बता देता हूँ। तो अभी ये 2020 2020 की जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग है वो मतलब 105 रुपये की है, 105 रुपये की 15 है। राइट, तो ये ठीक है। बाकी इसके जैसे जो और मल्टीविटामिन आते हैं, जैसे कि मान लो बेकाटेक्सामाइन या सुप्राडीन है या रिवाइटल आता है, ए टू जेड है, जिंकोविट है, तो ये सब एक ही जैसे हैं, सब में थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। इसमें जिंक डला है जो इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए अच्छा होता है, और इसमें एक ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट डला है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का जो रोल होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये जिंकोविट के बारे में जानकारी है, जो आपके इसमें क्वेश्चन होते हैं वो सब मैंने लिए हैं। और एक क्वेश्चन ये लिए कि क्या इससे आदत पड़ती है, हैबिट फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी मल्टीविटामिन है, अगर आप उसको 2-3 महीने से ज़्यादा मतलब कंटिन्यू लेते हो 2-3 महीने से ज़्यादा, तो उसमें आपके शरीर में एक डिपेंडेंसी आती है, जो खाने वाला विटामिन मिनरल है आपका शरीर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता। वैसे इसमें सीडेशन या नशे जैसी कोई बात नहीं होती है। थैंक यू सो मच।